chapter 4 is the acids that make trees grow. Chapter number 4. The acids that make trees grow. Page number 55. Page number 55. Have you opened it? Yes, ma'am. So let's start the lesson. This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. This is the story about honest and hardworking old couple. Underline karo kiske bare mein, honest and hardworking old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome and dog does a sad death. In this story, the neighbors were very cruel. And because of them, because of neighbors, the dog dies a sad death. The spirit of dog gives solace and support to his master and expected ways. Now, in this story, the spirit of dog, dog ki jo atma hoti hai, wo apne master ko, matlab master kaun hai uska, old couple, use unexpected way mein helpful hai. Okay, kaise help karti hai? Kya hoga is story mein? Let's see. The acids that made trees bloom. Trees bloom hote hai kisse? Acids. To acids kiski hogi bolo? Kiski death ho jati hai? Dog pet dog. Acids ka matlab aapko pata hai na? Acids means हमने देखा था chapter 3 में गोपाल एंड द हिल्स ऑफ इशू. Acids मतलब गोपाल स्मीयर द एसिस ऑन हिज फेस. देखा था ना हमने चैप्टर नंबर 3 में. यस मैम. पे एसिस लगा देता है. एसिस मतलब क्या होता है मैम? जो लकड़ी जल के राख हो जाती राख में. हाँ, तो ये जो एसिस है वो कुत्ते की हड्डियों की एसिस होगी ना शायद. चलो देखते हैं. इसमें In the good old days of the Daniels, there lived an old couple whose only pet dog, pet was a little dog. एक Daniels का मतलब क्या होता है? 19th century Japan, wealthy land owners, मतलब जिसके पास जमीन ज्यादा होती थी ना, वैसे पैसेदार लोग. देखो उसका मीनिंग यहाँ पे दिया है. मीनिंग यू हैव टू राइट इन योर नोट. लिख कर तो भूल ना जाओ. ओके, सो योर टाइनीज मींस इन 19th सेंचुरी द वेल्दी लैंड ओनर्स फॉर 10 इयर्स. सो योर इन ओल्ड डेज ऑफ 10 इयर्स मतलब जापान में जो है वेल्दी लोग थे, पैसेदार लोग थे. दे लिव्ड इन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट डॉग. उनके पास एक उसके कोई बच्चे नहीं थे तो उनका खाली एक पेट डॉग था. हैविंग नो चिल्ड्रन They loved it as though it were a baby. उनके कोई बच्चा नहीं था तो वो डॉग को बहुत ही लवफुली रखते थे, बहुत ही प्यार करते थे. The old dam, dam मतलब क्या है? Dam meaning दिया है यहाँ पे? नहीं दिया है. The old dam made it a cushion of blue crab and at meal time Muku, for that was its name, would sit on its sunk as any chair. Sun ka matlab kya likha hai? Okay, comfortable. Okay, the old day. Ha, likho, chalo. New words. Okay.
मैम थोड़ा कंप्यूटर साइड करो ना, नहीं दिख रहा। यस मैम। कंप्लीट मैम, हो गया मैम। मैम हो गया। द ओल्ड डे मतलब वुमन कपल जो था वो ओल्ड था ना, तो उसमें कपल में एक मैन और एक वुमन होगी, तो यहाँ पे लिखा है द ओल्ड डे मतलब वुमन। जापानीज स्टोरीज है तो स्टोरी है ना, ये जापानीज स्टोरी से बिलोंग है, तो सारी वर्ड स्टोरी से बिलोंग होती है। डे मतलब वुमन। मेरी क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब क्या है, पिलो, एक पिलो बनाया था उस इसके लिए ब्लॉक के ऑन द ब्लू प्लेयर, उसके ऊपर ब्लू प्लेयर लगाई थी एंड एट मिल टाइम टू को फॉर दैट वाज इट्स नेम, उसका नाम क्या था, मिल टाइम, मिल टाइम मतलब खाने के समय उसके साथ कौन बैठता था, मुकु, वुड सी ऑन द सर्व एज एनी कैट और किसके पिलो के ऊपर बैठ के खाता था एज अ कैट, ओके, उसका नाम क्या था, मुकु। The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks. जापानी लोग चॉपस्टिक से खाते हैं ना, आपने देखा है ना पिक्चर्स में वगैरह में देखा है ना। Yes, ma'am. This kind people मतलब कौन है, यहाँ पे ओल्ड कपल है ना, तो ये जो ओल्ड कपल थे मेरे गांव में बच्चे की तरह रखते थे, तो वो कैसे खिलाते थे डॉग को, अपनी ही चॉपस्टिक से फिश, वो फिश खाते होते तो फिश का जो पार्ट था सॉफ्ट पार्ट, टीथ बिट का मतलब होता है सॉफ्ट पार्ट, देखो सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। मैम थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है। मैम थोड़ा ब्लर ब्लर दिख रहा है। मैम नहीं थोड़ा कम दिख रहा है। अब देखो दिख रहा है अच्छे से। हाँ मैम अब ठीक है। Yes, का मतलब होगा सॉफ्ट पार्ट ऑफ फिश, दे फेड देम, फेड इट थिन मतलब अपने पेट को खिलाते, एंड ऑल द ऑयल राइस दे वांटेड मतलब ऑयल राइस भी खिलाते थे, टू ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड हिज प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सॉ, मतलब ऐसे वो ट्रीट मतलब उनको उसकी सामत करते थे अच्छे से, डम क्रिएचर, डम क्रिएचर का मतलब क्या है, डम क्रिएचर मतलब जो वो नहीं कहता, ऐसे क्रिएचर, क्रिएचर जिसको भगवान ने बनाया उसे क्रिएचर कहते हैं, उनकी क्रिएचर नहीं आते, ओके, ऐसे डम क्रिएचर को बहुत ही अच्छे से रखते थे, बीइंग विद द सॉल अपनी अपने इस बच्चे के जैसे कुछ को रखते थे। द ओल्ड मैन बीइंग द राइस फार्मर वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड, हो एंड स्पेड ये क्या है, हो एंड स्पेड ये टूल्स है ना, फार्मिंग करने के टूल्स, हो एंड स्पेड, स्पेड तो आपने देखा है बड़ा सा आता है जमीन खोदने के लिए स्पेड के अंदर, एंड वो भी ऐसे कुल्हाड़ी जैसा ही कुछ होता, तो वेन डेली विद हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड्स वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल अंटिल हो टेन टू शाम एज द सन इज हॉट, हो मतलब सन जब ढलता है उसे यहाँ पे जापानी लैंग्वेज में क्या लिखा है, ओ टेन टू शाम
as the sun is gone, had gone down behind the hills. But the sunset को तब तक वो काम करता था, इतना old था फिर भी वो sunset होता था तब तक काम करता था. Every day the dog followed him to work. और रोज क्या करता था, उसका जो डॉग था पेट्रो को उसे रोज फॉलो करता था, मतलब उसके पीछे पीछे काम करते थे. तो ये याद रखना है कि ओल्ड मैन जो था वो क्या था, राइस फार्मर था. मैंने लिखा तो राइस फार्मर किसान था जो राइस उगाता था. और बीइंग विद अ सॉल का मतलब क्या होता है, लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड. मैंने आपको बोला ना कि बच्चे की तरह रखना, बीइंग विद अ सॉल मतलब लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, बच्चे की तरह रखना, इंसान के बच्चे की तरह रखना. भले ही वो कुत्ता था बट इंसान के बच्चे की तरह रखना, मतलब बीइंग विद अ सॉल. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट डाउन इन योर नोट बुक. ओके, तो कौन फॉलो करता था, कुत्ता रोज उसके पीछे पीछे करता था. ठीक है, having the white arrow. Every day the dog followed him to work, never once harming the white arrow that walked in the footsteps of the old man to pick up the bones. And purpose means intentionally. कोई भी आपका intent होता है और आप काम करते हो तो वो आपका purpose बनता है, तो intention. तुम side वाला देखने का बोल. When did the dog came running to him? एक दिन क्या हुआ? Dog dog वो उसके पास आया, putting his paws against his leg and motioning with his head to some spot behind. क्या हुआ देखो? एक दिन कुत्ता उसके पास दौड़ के आया, फुटिंग इज पो. पो का मतलब क्या होता है? पो का मतलब होता है फ्रंट फ्रंट लेग से, जो फ्रंट फीट होते हैं ना उसके पोज होते हैं ना आगे, ऐसे पंजे कुत्ते के आगे के जो पंजे होते हैं
second in their pose. Front feet. एंड मोशन इफ इट हैड सम स्पॉट बिहाइंड और कुछ चीज को स्पॉट दिखाना चाहता था इसलिए वो उसके पास आया और अपने फीट के आगे वाले पोज से फार्मर को मतलब ओल्ड पर्सन को दिखाने लगा मतलब उसने कुछ देखा होगा कोई स्पॉट होगा कोई जगह होगी जो बताना चाहता था तो ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड नॉट माइंडिंग वो बूढ़े इंसान को लगा कि ये तो खाली खेल रहा है तो उसने माइंड नहीं किया बट द डॉग कैट ऑन वाज बीइंग मतलब एंड रनिंग टू And they are so for some minutes. आगे जब तक डॉटर था रनिंग करता था and so for some minutes. मतलब पीछे जब तक आगे जाता था so का मतलब होता आगे पीछे करता and winning का मतलब होता था वो अजीब सा रोल आ रहा था या कुछ आवाज कर रहा है ना Okay, so he was meaning and running and flow for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. Began a lively scratching. मतलब वो जो जगह थी थोड़े यार दूर थी वहां पे लेके गया अपने मास्टर को और वो जगह दिखाई और वहां पे जाके वो स्क्रैच करने लगा मतलब जमीन खोदने लगा थिंकिंग इट वाज पॉसिबल अ बरीड बोन और बील ऑफ फिश मतलब वो बूढ़े जो इंसान था पर्सन था उसे लगा कि शायद ये जमीन के अंदर क्या होगा बोन होगा ब्यूरी मतलब इसके अंदर जमीन के अंदर वो ब्यूरी होगा मतलब उसके अंदर बोन होगा या फिर फिश का वो टुकड़ा होगा ऐसा कुछ होगा इसलिए ये जो डॉग है वो उसे खाने के लिए जमीन को खोद रहा है द ओल्ड मैन स्ट्रक his bow in the earth. तो वो कुत्ता जो खोद रहा था तो उसे लगा कि चलो इसके खाने के लिए मैं ही खोद तो वो उसका बो ले गया और वो अर्थ को खोद दे रहा Then lo, a pile of gold gleamed before him. और उसके अंदर से कोई बॉल नहीं निकला कोई फिश नहीं निकली पर उसके अंदर से क्या निकला क्या निकला गोल्ड गोल्ड निकला गोल्ड और चमकता हुआ गोल्ड उसके सामने आ गया ग्लीम्ड मतलब शॉन ग्लिटर चमकना देखो यहाँ पे दिख रहा है पीछे है ना तो कुत्ते को पता चल गया और इसके नीचे तो वो सोना है तो लेके आया अपने मास्टर को और उसके नीचे से सोना निकाल के दिया देखो क्लेम का मतलब होता है चमक गुस इन एंड आर द ओल्ड कपल वर मैरिड आधे ही घंटे पे कपल जो थे ओल्ड कपल वो कैसे बनते हैं बहुत ही रिच बनते हैं द गुड सॉस ब्रॉट अ पीस ऑफ लैंड मेड अ फिश फॉर देयर The good soul का मतलब क्या हुआ यहाँ पे अच्छे इंसान जो कपल थे ना वो अच्छे दिल के थे अच्छे इंसान थे तो यहाँ पे लिखा उनके लिए good soul है ना अच्छे इंसान brought a piece of land तो उन्होंने क्या किया एक जमीन खरीदी plot खरीदना a piece of land उस जो gold जो मिला उसके पैसे से उन्होंने जमीन खरीदी और इसकी खुशी में उन्होंने क्या किया अपने फ्रेंड्स को एक फिश मतलब अच्छा सा खाना खिलाने के लिए एक पार्टी रखी and gave plentiful to their poor neighbors और poor neighbors जो थे गरीब neighbors जो थे उनके लिए भी खाने के लिए पार्टी रखी as for the dog they petted him till the nearby smoothened him with kindness और अपने कुत्ते को भी बहुत ही अच्छे से kindness से smooth कर रहे थे मतलब उनको थपथपा रहे थे कि इसकी वजह से हम लोग पैसे वाले हो गए now In the same village, there lived a big old man and his wife. उसी गांव में एक कपल रहता था जो बहुत ही बिग था बिग का मतलब क्या होता है क्रूअल अच्छा नहीं था
not a bit sensitive and kind, for थोड़े भी sensitive नहीं थे, थोड़े भी kind नहीं थे, इतने cruel थे, who had always eaten spoiled all dogs whenever they passed their house. वो इतने बुरे थे कि जो भी कुत्ता वहां से निकलता था वो सब सारे कुत्तों को लात मारते थे या फिर उसको मारते थे, स्कॉल करते थे, उसे धमकाते थे, पीक करते थे, उसको मारते रहते थे, जो भी कुत्ता वहां से निकलता था, इतने क्रूर थे. हियरिंग ऑफ द नेबर्स गुड लक, और ये गुड लक के बारे में जानते जान सुनते कि ये कुत्ते की वजह से ये लोग इतने पैसे वाले थे. They scotched the dog into their garden and sat before him, made of fish and other dainties. Scotch का मतलब क्या होता है? Antics मतलब उसको अपने तरफ खींचते. क्या करके? खाना रखते. है ना? कुत्ते को अपने तरफ खींचते मतलब attract ही करते. किससे? तो खाना रखते उसके सामने. है ना? Fish रखते. देखो. Hoping he would find freezer for them. और होप में इच्छा रखते हैं कि शायद ये हमें गार्डन में से या किसी और जगह से सोना खोल के दे, जगह बता के दे. But the dog being afraid of poor cat would neither eat nor drink. पर वो जो कुत्ता था वो तो इतना डरता था ये क्रूर इंसानों से कि ना तो वो वहां से हिला ना तो उसने कुछ खाया. बहुत सारा खाना उसके सामने रखा बट कुत्ते ने कुछ खाया भी नहीं और वहां से हिला भी. Then they dragged him out the doors and talking and taking a spat and hoe with them. तो क्या किया उसने? कुत्ते को खींच के लेके आए डोर से बाहर से और अपने साथ एक hoe और spat भी ले लिया खोदने. No sooner had the dog gone near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground. चलो तो सबसे पहले अंडरलाइन कर दो. कुत्ता उसको कहाँ पे लेके जाके लेके गया? क्रूअल पैक को, मतलब क्रूअल जो कपल थे उसको एक पाइन ट्री जो था वो जो गार्डन के बीच में उगा हुआ था वहां पे लेके अंडरलाइन करना. नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन और वो फिर इसको स्क्रैच करने एज इट माइट इट फ्रीजर ले बीनीथ. बीनीथ का मतलब होता है अंडर. बीनीथ मतलब अंडर. ओके यहाँ तक रखते हैं लेसन. कल फिर से देखेंगे लेसन यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके लिख दिया आपने न्यू वर्ड्स? यस मैम. राइट डाउन दिस न्यू वर्ड्स. ओके दैट वी विल मीट टुमारो स्टार्ट दिस लेसन फ्रॉम हियर. ओके बाय मैम. बाय मैम.